हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। प्रोटीन पानी के बाद हमारे शरीर में बहुतायत में पाया जाने वाला ये दूसरा तत्व है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही यह ऊर्जा कैलोरी का स्रोत भी है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों, त्वचा और अंगों के विकास के लिए आवश्यक होता है। खाने में प्रोटीन युक्त पदार्थ का सेवन करें। प्रोटीन शेक और प्रोटीन युक्त भोजन वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको प्रोटीन कई प्रकार के आहारों से प्राप्त हो सकता है, जैसे मीट, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, अनाज, दाल, बीज या मेवे आदि से। जो लोग जिम जाते हैं प्रोटीन के लिए अंडे और चिकन पर निर्भर रहते हैं। हालांकि चिकन और अंडे दोनों प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, पर ज्यादातर लोगों का यह सवाल होता है कि अंडे और चिकन में से किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। आज हम जानेंगे कि आखिर अंडे और चिकन में से कितना प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम चिकन में पोषण की मात्रा प्रोटीन 27 ग्राम फैट, 4 ग्राम कैलोरी, 153 सोडियम, 51 मिलीग्राम कोलेस्ट्रोल, 75 मिलीग्राम। एक सौ ग्राम अंडे में पोषण की मात्रा प्रोटीन 13 ग्राम, फैट 11 ग्राम, कैलोरी 155, सोडियम 124 मिलीग्राम, कोलेस्ट्रोल 373 मिलीग्राम। सम नेम ऑफ प्रोटीन, द प्रोटीन ऑफ मीट मोरोसिन, दूध में लाइटिन, एग, एल्ब्यूमिन, वीट, ग्लूटेन, पल्स, लेगुमिन, गाय खुर में जिलेटिन,